सच बताओ मुझे, आखिर तुम गिरी कैसे? माँ थी ना तुम्हारे साथ, उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? मेरे गिरने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं मयंक। मैं जल्दबाजी में चल रही थी, कुछ सोचते हुए पैर फिसल गया और मैं गिर गई। लेकिन मैं वादा करती हूं, अब से मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, अपना भी और अपने होने वाले बच्चे का भी। बताए बेटा, ऐसे समय में कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी भी लापरवाही बहुत नुकसान दे सकती है। हमें इस बात का ख्याल रखना होगा आगे से। माँ, आपने ये दवाई गुंजन को क्यों दी? प्लीज रिलैक्स, जल्दबाजी में गलती से हो गया होगा ना, इतने सारे काम देखती है मम्मी जी। क्या मम्मी जी, कोई अपने बच्चों से रूठता है भला? मम्मी जी! जी, मैं दवाई लेके आता हूं। जी। आंटी जी, ये आप क्या करने जा रही थी? हम वही करने जा रहे थे बिंदिया जो हमें करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े गुनहगार हम हैं। गुंजन को देखा कैसे उसने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया, और एक हम हैं। अगर हम उसकी जगह होते ना, हम कभी माफ नहीं करते। लेकिन एक गुंजन है, हम इतनी गलत हरकत कैसे कर सकते हैं, इतना कैसे गिर सकते हैं हम, कि जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, हम उसे कोस रहे थे। जी। आंटी जी, आप जानती हैं ना इस मोमदिल के लिए आपको क्या झेलना पड़ सकता है? सच्चाई कहीं महंगी और कड़वी साबित ना हो जाए। और मयंक के रिएक्शन के बारे में सोचा है आपने? अरे वो तो पहले ही आपसे नाराज है, ये पता चला तो कहीं आपसे नाता ना तोड़ दे। सोचो जरा, हाथों में बच्चा खेलेगा, कितना सुख भरा एहसास होगा। जानती हो, बच्चा भले ही अंदर हो लेकिन सब महसूस करता है। इसलिए हमारी झांसी की रानी, आज के बाद माँ की तरह सोचो और रहो। तुम दोनों की भलाई इसी में। काश कि तुम प्रेग्नेंट ही नहीं होती। इस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले हमारे जीवन में खुशियों की बजाय तकलीफें आई हैं। हमारे जीवन में आई सारी तकलीफों की जड़ तुम्हारे पेट में पल रहा ये मनहूस बच्चा है। अरे क्या हुआ, ऐसे चौंक क्यों गई? कुछ नहीं मौसीमा, बस ऐसे। झूठ, कोई बात जरूर है जो तुम्हें परेशान कर रही है। अपनी मौसीमा को नहीं बताओगी? आंटी जी, क्या आप अपने इकलौते बेटे से हाथ धोना चाहती हैं? नहीं नहीं, देखिए आंटी जी, मैं साफ बात बोल रही हूँ, ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है उसका हल ढूंढिए। ये शर्म, पछतावा, सॉरी, इसके लिए तो सारी उम्र पड़ी है। आंटी जी,
आपने मुझे इस घर में आसरा दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। सो सच कह रही हूँ, आज जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, लेकिन इसमें आपकी कहीं कोई गलती नहीं थी। अब कल को जब आपका ये पश्चाताप कम हो जाएगा, तो क्या आपके मन में दोबारा ये सवाल नहीं उठेगा कि इस बच्चे का असली पिता कौन है? तब क्या करेंगी आंटी जी? अगर गुंजन के पेट में पल रहा हुआ बच्चा मेरा खून हुआ, फिर पर मता लगाइए आंटी जी कि इस बच्चे का असली पिता कौन है। दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। लो, होने वाले पापा जी आ गए। कतार में इंतजार करने वाले पापा जी, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि होने वाली मम्मी जी को हमेशा खुश और तंदुरुस्त रखें। जो हुक्म मेरे आका, जरूर। मैं भी वादा करती हूँ कि मैं अपना और अपने होने वाले बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी। हमें उम्मीद है तुम ऐसा ही करोगी। हम अभी आए। अब तबीयत ठीक लग रही है, भगवान करे आगे ऐसे ही रहे। मम्मा बनने जा रही हूँ, अपना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। वो तो है। मम्मा, सोने दो ना मम्मा, क्यों तंग कर रही हो, बंद करो उसे। गुड मॉर्निंग। सपना देख रही थी क्या? गुड मॉर्निंग रचना। पता है, मम्मा भी बिल्कुल मुझे ऐसे ही उठाया करती थी, फ्रेश एयर लेने के लिए। सॉरी। चलो फ्रेशनेस हो जाओ, उसके बाद नाश्ता कर लो, फिर दवाई जो लेनी है। जी मैडम जी। गुड मॉर्निंग मिसेस कर्क। ये देखिए, मैंने अपने होने वाले बेबी के लिए क्या बनाया है। मयंक करके हाथों बना एक स्पेशल ब्रेकफास्ट। अच्छा भैया, तो ये आपकी चाल थी? अरे कैसी चाल, इसमें चाल वाली कौन सी बात है। मयंक, सच सच बताओ, ये नाश्ता तुमने बनाया? हाँ हाँ गुंजन, और नहीं तो क्या। हमारे भैया सुपर शेफ जो है, उन्हें क्या क्या नहीं आता पूछो। तुम ये बताओ कि तुमने इस उपमा में डाला क्या। सूजी, अदरक और पानी। रियली? और अदरक को इतना बारीक काटना पड़ता है कि टेस्ट आए लेकिन बिल्कुल पता ना लगे। अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। क्योंकि मयंक बेटा, हमारे यहाँ उपमा में अदरक नहीं डालते। चाहे अदरक मोटी हो या पतली, समझे खान सामा साहेब। समझ गया समझ गया। थैंक गॉड मयंक, तुमने उपमा नहीं बनाया, नहीं तो अदरक वाला उपमा खाना पड़ता। अच्छा बस बस, तुम सबकी बातों में बेचारा उपमा ठंडा हो जाएगा। चलो हटो, हमें अपनी बेटी को खिलाना। अब जीता जी। उपमा में अदरक। है अदरक? हे भगवान, ये उपमा बनाया है या फैलाया जाता है? ये महारानी जी का नाश्ता ना हो गया, दावत हो गई है जैसे। ये नहीं होता कि टेस्ट करवा ले, कम से कम हमारे दिल को आराम ही आ जाए। पता नहीं किसके बच्चे के लिए इतनी हाव बकत हो रही है। आंटी जी, क्या है? बिंदिया, तुम आप परेशान क्यों लग रही हैं? अरे रिलैक्स, मैंने नर्स से बात कर ली है। उसने कहा कि जब डॉक्टर के बताए हुए बाकी के टेस्ट्स करेगी तो चुपके से पटर्निटी टेस्ट भी साथ में ही कर लेगी। सच्ची? हाँ आंटी जी सच, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो बाहर आपका इंतजार कर रही है, आप जाकर उससे बात कर लीजिए।
हम क्या बात करेंगे? तुमने बात नहीं की? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था आंटी जी के पैटर्निटी टेस्ट करते कैसे हैं, और थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें, थोड़ा पटाना पड़ता है ना। अच्छा, वो कह रही थी कि अगर गुंजन को हम पैटर्निटी टेस्ट के लिए डॉक्टर की क्लिनिक लेकर जाते तो वो बेस्ट होता, लेकिन वो तो मुमकिन नहीं है, घर पे ही टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस बात के लिए आपको उसे पटाना पड़ेगा आंटी जी। देखिए ना, आखिर हूँ तो मैं बाहर वाली, अगर मैंने चुपके से उसे पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए कहा और वो भड़क गई तो? लेकिन आप तो होने वाले बच्चे की दादी हैं, आपका तो हक बनता है। तुम कितनी समझदार हो बेटा। कल को अगर गलती से भांडा फूट गया तो मार पड़े तो आपको पड़े, मैं क्यों मरूं भला? ठीक है बेटा, वैसे हम ये सोच रहे हैं अगर तुम नहीं होती ना तो क्या होता हमारा। अरे ऐसा क्यों कह रही है आंटी जी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आपके लिए। और सुनिए, उसे ना थोड़े से पैसे दे दीजिएगा। अरे हाँ, हम दे देंगे, तुम घबराओ मत। अब वो क्या है ना कि शक कह लो या वहम, एक बार टेस्ट हो जाएगा ना, हमारे मन को आराम पड़ेगा। चलो। मेरा मोबाइल कहाँ है? ये किसका फोन है? हेलो। अरे भाई, मेरा माल किधर है? माल निकालो। क्या? जल्दी निकाल मेरा माल। हाँ, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ? आंटी जी आप चलिए, मैं बस अभी आई। ठीक है। माल? कैसा माल? अरे पैसा, जो पैसा मैंने तुझे दिया था। किस बात के पैसे? कौन बोल रहे हैं आप? अपना नाम तो बताइए, किससे बात करनी है आपको? अरे तुझसे बात करनी है, और किससे बात करनी है? हमसे बात करनी है, लेकिन क्यों? सॉरी, आपने रॉन्ग नंबर लगाया। अरे ये रॉन्ग नंबर नहीं है, ये सही नंबर है। जब पैसा देने का वक्त आया तो रॉन्ग नंबर हो गया। अजीब लोग हैं। ये तुम्हारा फोन है? आप? हाँ, तुम्हारे लिए किसी का फोन आया था। वो किस बात के पैसे मांग रहा था, धमकी भी दे रहा था। हमें लगा कि तुम्हें कोई क्यों धमकी देगा, और वो भी किस लिए? पक्का रॉन्ग नंबर होगा, इसलिए हमने कट कर दिया। अच्छा किया। और एक मिनट, आकाश मौसी जी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि तुमने उनको अपना बायोडाटा नहीं भेजा। हाँ नहीं, अब हाँ हाँ नहीं। क्या? वो घर में इतनी टेंशन थी ना, तो मैं भूल गई। आजकल मैं भेज दूंगी पक्का। हीरोइन और विलेन की टक्कर, अब देखते हैं पहला पासा कौन चलता, सास या बहू। मामी जी, आप कोई काम में बिजी हैं क्या?
क्यों? कुछ चाहिए था तुम्हें? बता दो हमें, हम शैल दीदी से कह देंगे, वो दे देंगे। नहीं कोई बात नहीं मामी जी, मैं खुद ले लूंगी। ये सब बातें सोचकर अपना मन खराब क्यों करूं? डॉक्टर ने खुश रहने को कहा है ना। बेबी, मामा जानती है कि आपके लिए मामा को दिमाग और शरीर दोनों से हेल्दी रहना होगा। इधर उधर की फालतू की बेकार की बातें सोचकर कोई फायदा नहीं है। मामा सिर्फ और सिर्फ अच्छे थॉट सोचेंगी। ओके सबसे पहले तुम्हारी देखभाल कैसे करना है मम्मा ये पढ़ेगी। After all, world's best मामा बनना है ना मुझे। अरे आंटी जी आप घबराइए मत, आप जाकर नर्स से बात कर लीजिए, मैं यहाँ चौकीदार बनके खड़ी हूँ ना। कहिए क्या कहना है आपको? अब बिंदिया ने तुमसे टेस्ट करने के लिए बात की होगी, तो वही करवाना है, हो जाएगा ना? हाँ टेस्ट तो हो सकता है, पर बच्चे के मम्मी पापा तैयार है ना? ये गया फाइनल टच। यस। अब भैया हमारे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? हम ना अंगूर से आंखें बनाते हैं। आंखें? एक सेकंड, ये? हाँ ये, हाँ, और एप्पल के पीसेस से स्माइल, ताकि इसे देखकर गुंजन भी स्माइल करे। अरे इससे तो इसका नाक भी बन जाएगा। हाँ। अरे वाह रचना, बड़ा बैड आइडिया। खैर हो भी क्यों ना, मेरी बहन जो ठहरी। हेलो हेलो हेलो, ये हमारा आइडिया। ओके खबरदार अगर इसका क्रेडिट भी आपने लिया तो प्लीज भैया। हाँ हाँ तुम्हारा आइडिया था, अभी मैंने ले लिया, इट्स ओके। अरे ऐसे कैसे भैया, ये हमारा आइडिया था ना, ऐसे नहीं कर सकते आप। बाद में देखेंगे, बाय। थैंक यू। अरे हम चाहते हैं ना, हम दादी हैं, इतना तो हक बनता है हमारा। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, कानून के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात जच्चा और बच्चा दोनों की जान को खतरा है मैडम। ये लो, खतरे का ध्यान तुम रखो और कानून का ध्यान हम रखेंगे। दिया माँ के कमरे के बाहर क्या कर रही है? अरे रख लीजिए शगुन समझ के, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। जी मैं मैटरनिटी टेस्ट किट यहीं मंगवा लेती हूँ और घर पे ही टेस्ट कर लेंगे। हाँ ठीक है, पर एक बात का ध्यान रखना, गुंजन को या किसी और को घर में भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। बिंदिया, तुम यहाँ क्या कर रही?
मैं लेकिन तुम... हाँ, वो मैं भी एक्चुअली यही सोच रही थी वो, हाँ, वो ये ऐसे एसएमएस करते करते शायद गलती से यहाँ आ गई, वरना मैं पता नहीं किसके कमरे में घुस जाती। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? आप गुंजन के कमरे में जा रहे होंगे ना? आइए आइए, एक मिनट, तुम जाओ। सिस्टर, आप यहाँ?